हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो जो टॉपिक है हमारा चुनाव और प्रतिनिधि, यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व में क्या पढ़ना है इसे हमें समझना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करते कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लोकतंत्र को समझ लिया तो आप समझ चुके हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार से चुनाव करवाए जाते हैं। तो लोकतंत्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र अगर देखा जाए तो सही मायने में इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चे देखना है आपको कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। आजकल दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है। अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, तो लोकतंत्र को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला क्या आता है? प्रत्यक्ष। और दूसरा क्या आता है? अप्रत्यक्ष। तो आप इसमें लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करती है। जो जनता होती है स्वयं क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से कानूनों को बनाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां अपनाया जाता है जहां पर आबादी क्षेत्रफल कम हो। जैसे हम बात करते हैं कि प्राचीन यूनान के नगर राज्य अपनी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे थे, इसलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को देखते रहें, बने रहें, आगे हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता क्या करती है? अपनी प्रतिनिधियों को चुन लेती है और चुनने के बाद कहती है, भैया देख तेरा काम क्या है? सरकार को चलाना। तेरा काम क्या है? इस नगर की देखरेख करना, जैसे सड़कों का निर्माण करवा देना, नालियां बनवा देना, पानी की सुविधाएं, MCD स्कूल, सारे कार्य कौन करेगा? प्रतिनिधि। जनता के पास इतना टाइम नहीं है, जनता अपने कामों को देखेगी, इसलिए जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण करती है, यानी हम बात करें कि प्रतिनिधियों को तो खड़ा कर दिया, भाई देखो तुम्हें शासन करना है, तुम्हें चलाना है, क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर जिताया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां अपनाया जाता है जहां पर आबादी क्षेत्रफल अत्यधिक हो। आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, तो तकनीकी के कारण राज्य अपनी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ गया है, तो वहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। जैसे हम अपने भारत में बात करते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य में लोकतंत्र तो है। हमारा भारत खुद एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में लाना मुमकिन नहीं है भाई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां अपनाया जाता है जहां पे आबादी क्षेत्रफल कम हो, इसलिए वर्तमान में सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया जाता है। आज के मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चे, सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है, क्योंकि आबादी क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम किसको अपनाते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि चुनाव या निर्वाचन किसे कहते हैं। निर्वाचन का मतलब चुनने की विधि। हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि चुनाव, कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, डायरेक्ट रूप से वो भाग नहीं ले सकते, इसलिए लोग अपने अपने क्या करते हैं? प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं कि भाई देखो हमने इस एरिया से इस सांसद को चुना है। और कहीं ना कहीं अगर वो सांसद जीत जाता है तो वो उस नगर के बारे में वो सोचता है और कार्य भी करता है। प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को हम क्या कहते हैं? चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण, यानी आवश्यकता क्यों है इसकी। मतदाता क्या करते हैं? मत या वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं भाई? उनके पास इतना काम नहीं है, उन्होंने सोचा भाई हम अपने घर गृहस्थी में बिजी हैं सबसे ज्यादा, कोई ना कोई हम काम करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम राजनीति चला लें, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। तो हम बात करते कि
मतदाता मत या वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि क्या बनाती है? सरकार बनाती है, और शासन भी तो यही चलाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? चुनाव है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। क्यों चुनता है? ताकि उस नगर का विकास हो सके, उस क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपनी मनपसंद सरकार को चुनती है। जब हम अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो जीत जाता है, तो जनता की उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का क्या करेगा, विकास करेगा। बिना चुनाव के लोकतंत्र की स्थापना मुमकिन नहीं है भैया। देखो यहाँ पे शब्दों को ध्यान से सुनो कि बिना चुनाव के लोकतंत्र की स्थापना मुमकिन है क्या? नहीं है ना। इसलिए चुनाव बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए वर्तमान देशों में अगर देखा जाए तो अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अपनाने की बात कही गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मता अधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। देखो तो हमारा जो देश है, देखा जाए तो अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति इसमें शामिल है। जाति के आधार पर भी देख सकते हो, तो सभी को समान वोट डालने का अधिकार दिया गया है। सिंपल तरीके से समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मता अधिकार अनुच्छेद 326 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता, वोट दे सकता है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मता अधिकार कहते हैं। वयस्कों की जो आयु है वो विभिन्न देशों में अलग अलग है। ऐसे हम बात करते हैं कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में जो आयु है वो कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। जबकि नॉर्वे में 23 वर्ष है और भारत में 21 वर्ष थी। लेकिन 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा इसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत में मतदाता की योग्यता क्या है, कि किस वर्ष में यानी किस किस आयु में वो वोट दे सकते हैं। तो बहुत आसान है, भारत का वो नागरिक तो होगा ही भाई, और वो 18 वर्ष जो कि वो वोट डाल सकता है। और किसी बड़े अपराध का भाई दोषी नहीं होना चाहिए। अगर दोषी है तो भाई उसको राइट नहीं दिया जाएगा वोट डालने का। पागल और गलत आचरण का नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि पक्ष में तर्क। सार्वभौमिक वयस्क मता अधिकार समानता और गैर भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन। इसलिए सरकार के निर्णय में सब नागरिकों को भाग लेना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब कानून का पालन सभी नागरिक करते हैं, तो कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का भी चुनाव भी सब नागरिकों को कराना चाहिए। अतः सार्वभौमिक वयस्क मता अधिकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं विपक्ष में क्या तर्क है। तो विपक्ष में तर्क पढ़ लेते हैं। वोट डालने का अधिकार का प्रयोग अशिक्षित और गरीब लोग ठीक तरह से नहीं करते। ये तो हम आज भी देख रहे हैं भाई, हम अपने ही भारत में देख लेते हैं। जो अशिक्षित है, गरीब लोग है, वो ठीक तरीके से वोट डालने का जो अधिकार उनको दिया जाता है वो यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको ये अधिकार नहीं देना चाहिए। गरीब लोग तो लालच में आकर अपना वोट बेच देते हैं, तथा अशिक्षित लोग अच्छे और बुरे उम्मीदवार में पहचान करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार भी कहा जाता है। अतः ये सुझाव दिया जाता है कि वोट डालने का अधिकार शिक्षित, अनुभवी, उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी मैं राय जानना चाहता हूं कि विपक्ष में क्या ये तर्क सही है। और सबसे लास्ट वाली जो लाइन बोली गई है, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और आप अपने तर्क दीजिएगा। क्योंकि हम अपने भारत में रहते तो सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। इसमें ये नहीं बोला गया कि भाई कि उच्च वर्ग के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है, शिक्षित लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है। नहीं, अगर हमने लोकतंत्र के प्रणाली को अपनाया है तो सभी नागरिकों को अधिकार दिया जाता है कि आप किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हो, वोट डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अशिक्षित जो गरीब लोग हो उनको बहला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है। इस वजह से कई ऐसे कारण हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना वोट बेच देते हैं।
तो प्यारे बच्चे बने रहें, आप वीडियो को ध्यान से आप सुनते रहें, आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन संविधान में चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा निश्चित की गई है। जैसे हम बात करते हैं, भाई देखो ध्यान से सुनो, कल के दिन तुम बड़े हो जाते हो, मान लो भाई तुम 25 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो, 35 वर्ष के हो, तुमने कहा सर मुझे ना चुनाव में भाग लेना है, मुझे चुनाव में भाग लेना और लड़ना भी है। अब तुमने कहा कि सर मुझे लोकसभा में खड़ा होना, विधानसभा में खड़ा होना, तो उसकी आयु, हर एक चीज पॉलिसी जानना पड़ेगा ना, तब जाके आप चुनाव में खड़े हो सकते हो। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितने वर्ष है, 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव लड़ने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध भी है, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल जा चुका है तो भाई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये है इसकी कमियां। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्या बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, लोकतंत्र के लिए चुनावों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा जाए प्यारे बच्चों, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहां पे चुनाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जहां चुनाव होंगे वहीं लोकतंत्र अवश्य होगा। सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते, बहुत सारे देशों में अगर देखा जाए या कुछ ऐसे देशों में देखा जाए तो गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं। ऐसे समझे जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या होता है कि गैर लोकतांत्रिक चुनाव करवा दिया जाता है, नाम मात्र में चुनाव करवा दिया जाता है, लेकिन वहां पे धर्म गुरुओं का शासन है, सेना का शासन है, तानाशाही को जन्म दे दिया गया है। तो गैर लोकतांत्रिक जो है वो धीरे धीरे लोकतंत्र प्रणाली के लिए खतरा साबित होता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासक चुनावों को इस प्रकार कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। वो कहते हैं कि जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम क्या करेंगे, यानी शासन करते रहेंगे। अतः चुनावों के लिए नियमों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोकतंत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो भाई चुनावों के लिए नियमों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नियम ऐसे होने चाहिए जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सकते हैं, यानी चुनाव में गड़बड़ियां नहीं की जानी चाहिए, धांधलीबाजी नहीं की जानी चाहिए कि गलत तरीके से चुनाव करवा लिया और वहां पर क्या हुआ, तानाशाही को जन्म दे दिया, तो सेना शक्ति आ गई वहां पर, और नामात्र में सारी जो शक्तियां हैं वो अब वो किसके पास है, तो देखा जाए तो सेना शक्ति के पास है। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कठपुतलियों की तरह नचाने वाले कौन होते हैं, सैन्य शक्ति। तो आप लोग ये सब 12th में पढ़ोगे, आप लोगों को ये 12th में बताया जाएगा ये सारी कहानियां। तथा लोकतंत्र भी समाप्त हो सकता है ऐसे यदि एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया जाए, तो कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां सिर्फ एक ही दल की पार्टी है, एक ही दल का सरकार है, इसलिए वहां पे 10 वर्ष तक वो शासन करते हैं। तथा चुनाव की देखरेख सही तरीके से नहीं की जा सकेगी, तो ऐसे में लोकतंत्र को अस्तित्व में रखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए मतदान, चुनाव लड़ने, मतगणना कर्मी आदि के लिए नियमों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक अच्छे लोकतंत्र की क्या कर सकते हैं, हम स्थापना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है या उनको हटाया कैसे जाता है। बहुत आसान है, आपको ध्यान से इसे सुनना है कि देखो हम बात करते हैं चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग में अगर देखा जाए तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, जिस पद पे वो व्यक्ति बैठा हो तो वो अगर गलत तरीके से कार्य कर रहा है तो उसको हटाया कैसे जाएगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चुनाव आयोग का एक क्या है, शक्तिशाली निष्पक्ष संस्था होता है जो चुनाव से संबंधित प्रत्येक कार्य करता है। देखो ध्यान से सुनना,
चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग का क्या है, एक शक्तिशाली क्या है, संस्था मानी जाती है जो चुनाव से संबंधित कार्य करता है। तो भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के माध्यम से एक चुनाव आयोग बनाया गया या उसकी स्थापना की गई, जिसको हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है। देखो, चुनाव आयोग में एक कौन होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, और दो अन्य आयुक्त तो होते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नियुक्ति चुनाव आयुक्तों की कैसे की जाती है, तो नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति। उस व्यक्ति की नियुक्ति यानी उस पद पर कौन बिठाएगा, चुनाव आयोग के पद पर कौन बिठाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर उसको बिठाएगा। लेकिन सरकार किसी ऐसे व्यक्ति की चुनाव आयोग में नियुक्ति भी कर सकता है जो चुनाव में सरकार का समर्थन कर सकती है। इसलिए अनेक लोगों का मानना है कि इसके लिए विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष नेताओं यानी विपक्ष पार्टियों और भारत के मुख्य न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पक्ष वाला होता है वो अपनी ही पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को चुनाव नियुक्त पद पर बिठा दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर सकता है। इसलिए देखा जाए तो विपक्ष पार्टियों को बुलाया जाता, मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जाता, उनकी सलाह पर चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं पद मुक्ति चुनाव। बिल्कुल आसान है, पद मुक्ति भाई, धांधलीबाजी आप कर रहे हो तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे तो। आयुक्तों की राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति चाह लेगा कि भाई इस व्यक्ति को हटाना, आयुक्त को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना। देखा जाए प्यारे बच्चों की संसद में, राज्यसभा लोकसभा में 50-50 बहुमत प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। तो उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि कोई भी सरकार उस मुख्य चुनाव आयोग को ना हटा सके जो चुनाव में सरकार की तरफदारी करते हों। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया कि पद मुक्ति जो चुनाव है, राष्ट्रपति को पता चल गया कि भाई ये सरकार के फेवर में है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्वारा क्या इसे हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है थोड़ा कठिन होता है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत के बाद उस व्यक्ति को उस पद से हटाया जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग के 5 महत्वपूर्ण कार्य बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है कि देखो भाई, चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। चुनाव क्षेत्रों का क्या कर लेते हैं, ये सीमांकन कर लेते हैं, मतदाता सूची भी तैयार करते हैं और उसमें कांट छांट करते हैं कि किसकी मृत्यु हो गई है, कौन 18 वर्ष की आयु में आ गया है, तो वो सब नाम इसमें जोड़ा जाता है, कांट छांट किया जाता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो वो चुनाव आयोग के पास जाएगा। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन देगा, चुनाव आयोग देगा। दल कौन देगा, चुनाव आयोग देगा। यानी राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाले कौन होते, चुनाव आयोग होते। जैसे हम बात करें कि हाथ, कमल, झाड़ू आदि, संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और सभी तरह के चुनाव करवाना किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मतदान की तिथि तैयार करना, मतगणना की तिथि आदि की घोषणा करना, चुनाव के दौरान कर्मचारियों और सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण रखना, चुनाव के दौरान आचार संस्थाओं को लागू करना, मतदान केंद्र और बूथ का निर्माण करवाना। तो यहाँ पे आपको प्यार बच्चों बूथ लिख लेना, तथा चुनाव की देखरेख करना, मतगणना करके परिणाम घोषित कर देना। तो ये है चुनाव आयोग के कार्य। तो प्यार बच्चों, ये था आज का जो टॉपिक, जो बहुत ही अच्छे से हमने इसे कवर किया है। बाकी का जो टॉपिक होगा हम उसे सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यार बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।